दोस्तों मार्शल आर्ट के आसमान पर यूं तो सितारों का झुरमुट नजर आता है, लेकिन इन सितारों के बीच मार्शल आर्ट का वो चांद जिसने ब्रूस ली के नाम से शोहरत पाई और ऐन आलम जवानी में ही इस दुनिया को तागे मुफारकत दे गया कि जगह आज तक कोई और हासिल नहीं कर सका। ब्रूस ली जिसका असल नाम ली जिन फिन था, 27 नवंबर 1940 को फ्रांसिस्को के इलाके चाइनाटाउन के एक अस्पताल में पैदा हुआ। इसके वालिदैन का ताल्लुक हांगकांग से था। मार्शल आर्ट की दुनिया में मर कर भी जिंदा रहने वाले ब्रूस ली की जिंदगी के औराक पलटने से कबल हमारी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बिना किसी रुकावट आप तक पहुंचती रहे। खवातीनों हजरात, ब्रूस ली दुनिया भर में अगर से अपने फन किंग फू और जीत क्यून डो की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हांगकांग के घराने में पैदा होने वाला ये शख्स एक बेहतरीन अदाकार, फिल्म डायरेक्टर, मार्शल आर्ट का माहिर, फिलासफर और कराटे के फन का उस्ताद भी था। ब्रूस ली इस फन की एक शाख जीत क्यून डो का मुवज्जिद यानी बानी भी तस्लीम किया जाता है, जो कि कंग फू के कबीले की ही एक शाख है। इसे अपने फन के हवाले से अपने अहद की मुतासिर कुल शख्सियत होने की बदौलत मीडिया ने हमेशा पजीराई बख्शी। पैदाइश के चंद साल बाद ही इसके वालदैन हांगकांग वापस आ गए और इसे इब्तदाई तालीम के हसूल के लिए एक मारूफ स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन मार्शल आर्ट शायद इसकी फितरत का हिस्सा था, जिसका मुजाहरा वो अपने स्कूल फेलोज के साथ भी किया करता। हत्ता कि ब्रूस ली की इन सरगर्मियों की बदौलत कई दफा उसके हम जमातों को जिस्मानी तौर पर नुकसान भी उठाना पड़ा, जिनकी वजह से पुलिस ने उसके वालदैन को खबरदार किया कि अगर इसकी ये सरगर्मियां इसी तरह जारी रहीं तो हम इसे जेल भेजने पर मजबूर हो जाएंगे, जिस पर उसके वालदैन ने उसे वापस अमेरिका भेज दिया ताकि वो जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन तरबियत हासिल कर सके। नाज़रीन, ब्रूस ली 18 साल की उम्र में 1959 में जब अमेरिका पहुंचा तो उसने अपने ज़ौक की तकमील के लिए मार्शल आर्ट से दोस्ती मजीद पुख्ता कर ली। 1964 में जब वो कॉलेज से फारिग हुआ तो कराटे के मारूफ माहिर जेम्स यिम ली के पास ऑकलैंड चला गया और दोनों ने मिलकर वहां मार्शल आर्ट स्टूडियो कायम किया। और फिर जब 1964 में लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप्स का इनेकाद हुआ तो उसने इसमें हिस्सा लेते हुए अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत कई दिल जीत लिए। मुकाबले के दौरान जब उसने अपने मदे मुकाबिल की छाती पर मुक्का मारा तो उसने बाद अजां सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मेरा मशवरा है कि ब्रूस ली आइंदा कभी भी अपने फन का इस तरह मुजाहरा मत करें, क्योंकि जब वो मुक्का मुझे पड़ा तो मैंने नाकाबले बर्दाश्त तकलीफ महसूस की। दोस्तों, ब्रूस ली बचपन में ही कैमरे की दुनिया से अपना नाता जोड़ चुका था और उसने अपनी सबसे पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल में एक बच्चे का किरदार अदा किया, जो कि 1941 में रिलीज की गई, जबकि उसकी अपनी उम्र उस वक्त सिर्फ 3 माह थी। बाद में उसने कई टीवी ड्रामों जिनमें द ग्रेट हॉर्नेट, बैटमैन और हेयर कम द ब्राइड शामिल है में भी अपने फने अदाकारी के जौहर दिखाए। बाद में उसे हांगकांग के मारूफ फिल्म डायरेक्टर फ्रेड विंट्रॉब ने कहा कि वो हांगकांग वापस आकर फिल्म में काम करें ताकि हॉलीवुड में उसे जगह मिल सके। 1971 में द बिग बॉस नामी फिल्म जिसमें ब्रूस ली ने अहम किरदार अदा किया उसे आसमान की बुलंदियों पर ले गई और फिर 1972 में बनने वाली फिल्म फिस्ट ऑफ फरी ने कामयाबी में बिग बॉस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फ्रेड से 2 साल मुआयदा खत्म होने के बाद उसने गोल्डन हार्वेस्ट कंपनी से दोस्ती कर ली, जबकि बाद अजा उसने कॉन्कर प्रोडक्शन के नाम से अपनी फिल्म कंपनी कायम कर ली, जिसके प्लेटफॉर्म से बनने वाली फिल्म वे ऑफ ड्रैगन ने फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया। नाज़रीन, ये 10 मई 1973 का दिन था जब वो अपनी नई फिल्म इंटर द ड्रैगन के लिए मसरूफ अमल था कि उसे शदीद सर दर्द की तकलीफ हुई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। बाद अज़ तशखीस डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से दिमाग में सूजन हो जाती है। इलाज मुआवजे से अफाके के बाद जब 20 जुलाई 1973 को वो अपने काम में मसरूफ अमल था कि दोबारा उसे तकलीफ हुई। फर्स्ट एड लेने के बाद वो आराम के लिए लेटा और फिर ना उठ सका। डॉक्टर बुलाने पर इंकिशाफ हुआ कि वो 10 मिनट कबल अपनी जान जाने आफरीन के सपुर्द कर चुका है। नाज़रीन-ए-गिरामी, ब्रूस ली की मौत के बारे में
اگرچہ بہت سی متضاد آراء بھی پائی جاتی ہیں لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت کی وجہ دماغی سوجن کی وہی نامراد بیماری تھی جس نے 10 مئی 1973 کو پہلی دفعہ اپنا سر اٹھایا تھا۔ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔